चिड़ावा शहर में फैमिली कैफे, ओपन केबिन, फ्री होम डिलीवरी, फ्री वाईफाई के साथ रॉयल कैफे, बर्थडे पार्टी हॉल के साथ आपकी सेवा में किफायती दरों के साथ। तो देरी किस बात की, घुमाइए फोन और करिए अपना स्वादिष्ट फास्ट फूड ऑर्डर। चिड़ावा से इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा नेता कैलाश मेघवाल और राजेश दहिया व्यापारियों के साथ पहुंचे पुलिस थाने। पुलिस थाने में व्यापारियों ने सीआई इंद्र प्रकाश यादव से चोरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बाजार बंद का था आह्वान, फिर धीरे धीरे दुकानें खुली, डीवाईएसपी सुरेश शर्मा ने की समझाइश। चिड़ावा नगर पालिका पर भी उठने लगे सवाल। अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त आपका अपना पायल हॉस्पिटल आपकी सेवा में दिन रात तत्पर। ईसीएचएस आरजीएचएस अधिकृत सुविधाएं, 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ, विश्वास का एक ही नाम, पायल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। आप देख रहे हैं शिव नगरी टाइम्स में पंकज, कैमरामैन अनूप के साथ। दोस्तों, चिड़ावा शहर के अंदर जो एक रात के अंदर 6 दुकानों के अंदर जो चोरियाँ हुई है, चोरी की वारदात हुई है, उसी का आप बड़ा खुलासा करने वाले हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी अपनी जांच प्रक्रिया में जुटा हुआ है, क्या कुछ आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पुलिस प्रशासन ने जो इमीडिएटली एक्शन लिया है वो ये है कि मोबाइल इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और उन्होंने फुटप्रिंट वगैरह और जो अन्य जो साक्ष्य जुटाए हैं वो सारी प्रक्रिया अपना ली गई है। इसके साथ ही बता देता हूँ कि चिड़ावा डीवाईएसपी सुरेश शर्मा मौके पर पहुँच गए थे और सुबह 7 बजे के बाद जैसे ही यहाँ पर आला अधिकारियों का आना लग गया था, पूरा बाजार जो है यहाँ पर जमा हो गया था। पूरी जो वीडियो कवरेज थी वो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देख ही ली होगी। इसमें कुछ अलग अटके ये है कि फुटप्रिंट लिए गए हैं, इसके अलावा अलग जो और साक्ष्य हैं वो जुटाए गए हैं। कौन सी टीम आई वो बता दिया मैंने आपको, मोबाइल इन्वेस्टिगेशन पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी थी, उसने साक्ष्य जुटाए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है, बड़ा खुलासा ये है कि रात को 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक की ये घटना है। इस घटना को रात को 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक का अंजाम दिया गया है। हालांकि आसपास में एक सीसीटीवी कैमरे नहीं है, कैमरे हैं तो उनका एंगल सिर्फ और सिर्फ अपने शटर के ऊपर, लॉक के ऊपर है, ना कि मेन रास्ते के ऊपर। चिड़ावा डिप्टी सुरेश शर्मा ने भी काफ़ी बार कहा है, सीआई साहब ने भी काफ़ी बार कहा है, सीएलजी की बैठक होती है तब भी ये मुद्दे उठ चुके हैं कि कैमरे लगवाइए। काफ़ी दुकानदारों ने कहा भी है कि हम लगवाएंगे, अभी तक किसी ने नहीं लगवाए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग पिछले 1 साल से नगर पालिका प्रशासन को भी इस मामले को अवगत करवा रहे हैं। एक होली के ऊपर मर्डर केस हुआ था, उसमें भी कुछ नाजायज लोग भी जो है उसमें फंस चुके हैं। उस मामले में अगर सीसीटीवी कैमरे में लगे होते तो वो बेचारे नहीं फंसते उस मामले के अंदर। कहने का मतलब बार बार यही है कि नगर पालिका प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं है, सतर्क नहीं है, उसे भी चिड़ावा शहर की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। वरना ये छोटा सा एक काम है, सीसीटीवी कैमरे चिड़ावा शहर में लगाए जा सकते हैं, वो नगर पालिका प्रशासन के अंडर में आता है। काफ़ी जगह ऐसी नगर पालिका है जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। बहुत सी बार मैंने मुद्दा भी उठाया, बहुत सी आमजनों ने भी कहा है ये कि सीसीटीवी कैमरे मेन चौराहों पर होने चाहिए ताकि चिड़ावा शहर की सभी वारदातें कोई भी वारदात होती है तो एक जगह बैठकर देख सकते हैं। चिड़ावा शहर का ये 6 दुकानें कबूतरखाना बस स्टैंड के पास में ही है, तो वहाँ पर ये 6 दुकानों की चोरियाँ हुई है। पूरी जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, तो साक्ष्य जुटाए गए, कौन सी टीम आई है, कैसे उन्होंने साक्ष्य जुटाए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि चिड़ावा डीवाईएसपी सुरेश शर्मा ने कहा है कि अगर व्यापार मंडल थोड़ा सा भी कदम आगे बढ़ाए तो इस बाज़ार के अंदर, मेन बाज़ार के अंदर कहीं ना कहीं सभी जगह मेन जो चौराहे हैं, मेन जो गलियारे हैं, वहाँ पर कैमरे लग सकते हैं। सभी दुकानदार भाई, व्यापार भाइयों से मैं भी विनती करता हूँ कि कम से कम अपने जो कैमरे लगा रखे हैं उन्हें चालू रखिए, उनका एंगल सही तरीके से लगाइए ताकि रोड पर से आता जाता व्यक्ति दिखाई दे। कि अगर हमारी भी गलती है इसमें, कहीं ना कहीं हमारी भी मूर्खता है इसके अंदर कि हम लोग दुकान के अंदर 1-1 लाख रुपये, 50-50 हज़ार रुपये गले के अंदर छोड़ के चले जाते हैं। ये भी एक गलत ही हमारा एक फैसला है कि हम दुकान के अंदर पैसे छोड़ जाते हैं। सबसे बड़ी खबर यही है कि रात को 12:30 से 1:30 बजे तक का ये घटनाक्रम है, सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि पुलिस प्रशासन अपनी जांच में जुट चुका है, सीसीटीवी पूरे चिड़ावा शहर के जहाँ पर भी उनको लगता है सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटा हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहिए शिवनगरी टाइम्स के साथ।